नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करता हूं एक बार पुनः मैं आप सभी का अपने चैनल शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया में। और आज मैं आप लोगों को लेकर के चल रहा हूं एक बहुत ही खास जगह पर। इस जगह का नाम एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जिनको क्रिकेट की दुनिया का अपने समय पे बादशाह माना जाता था, और सचिन तेंदुलकर को बहुत बार इनसे कंपेयर भी किया जाता रहा है। तो इनका बचपन यहाँ पर गुजरा है। एक म्यूजियम हो गया, चेरी ट्री वॉक हो गया, प्लस 52 शेफर्ड स्ट्रीट हो गई, और यहाँ की गैलरीज और शॉप्स हो गई। तो ये चार पांच चीजें हैं जो यहाँ पर बहुत फेमस हैं, देखने लायक हैं। इनमें बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ से 119 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है जो मुझे अकेले ड्राइव कर रास्ते में लगाऊंगा अभी फर्स्ट क्लास म्यूजिक, और सुनते हुए अकेले ड्राइव करते हुए जाऊं। तो बने रहिए मेरे साथ में और एंजॉय करते हैं और ले चलते हैं एक नई जगह दिखाते हैं। बाहर से दूसरी कंट्री से भी आते हैं तो आपको एक बार यहाँ आना चाहिए। यहाँ के लिए बस और ट्रेन दोनों चीजें सेंट्रल से अवेलेबल हैं, सिडनी सेंट्रल से आपको मिल जाएंगी। तो ये वो घर है जिसमें डॉन ब्रैडमैन रह चुके हैं, उनका बचपन बीता है यहाँ पर। तो ये अच्छे से देख लीजिए आप। बहुत अच्छा लग रहा है। क्रिकेट से जो लोग प्यार करते हैं, क्रिकेट को जो लोग फॉलो करते हैं, क्रिकेट से जिनका संबंध है, उनके लिए ये किसी तीर्थ से कम नहीं है। ये घर देखिए, तब ये घर एक तरह से 100 ईयर्स से तो ज्यादा का वैसे भी हो गया। इनके घर के सामने ये एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा बहुत ही शांत और एकांत सी जगह, बहुत खूबसूरत है। तो ये है डॉन ब्रैडमैन का बचपन का घर जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन बिताया। मैं इसको और भी दूसरे साइड से भी आपको दिखाता हूँ। डॉन ब्रैडमैन से सचिन तेंदुलकर की हमेशा तुलना की जाती रही है, इसलिए भी हम इंडियंस के लिए तो इसका बड़ा महत्व हो जाता है। देखिए दोस्तों, मेरे पीछे है ये डॉन ब्रैडमैन का बचपन का घर। अपना बचपन यहाँ पे गुजारा था। आज मैं उनके घर के सामने खड़ा हूँ और अभी मैं आपको उस म्यूजियम भी ले चलूंगा, उसमें आप जरूर बने रहिए। तो चलते हैं दोस्तों और उस म्यूजियम में चलते हैं जहाँ पर डॉन ब्रैडमैन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, उनसे रिलेटेड बहुत सारी यादगारें वहां पर मिलेंगी, और दूसरे क्रिकेटर्स की भी बहुत सारी यादगारें। जैसे अभी जब मैं ड्राइव करके आ रहा था, मिरर में मेरी नजर पड़ी तो मैंने आज जो ये देखिए टी शर्ट पहनी है, मेरे दिमाग में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं क्या कपड़े पहनूं, लेकिन अननोइंगली मैंने ये टी शर्ट पहनी जो मेरी टीम को रिप्रेजेंट करती है। तो चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है ब्रैडमैन म्यूजियम। पर ये देखिए बंधुओं, ये हैं डॉन ब्रैडमैन।
तो मित्रों ये देखिए बैट्स हैं कि अगर आप जरा सा भी क्रिकेट से प्यार करते होंगे तो आज की आपको ये ट्रिप और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए तो प्लीज़ इसको आप एंड तक देखिएगा। और ऐसी जगहें और ऐसे एक्सपीरियंसेस हमेशा नहीं होते हैं तो आप इसमें हमारे साथ रहिए। द बैट देखिए इसमें पुरानी टाइप के बैट्स हैं, हिस्ट्री है। देखिए पहले के बैट्स ऐसे होते थे। ये देखिए बॉल के अंदर होता क्या है, ये बॉल को बीच से काट करके रखा गया है। थोड़ा सा यहाँ डार्क है, हो सकता है पिक्चर उतनी क्लियर ना है।
ये यहाँ कई स्क्रीन्स बनी हैं और इन सभी स्क्रीन्स में पुराने क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, बहुत पुराने समय से लेके वाई गॉड की ब्लैक एंड वाइट में आप देखिए क्या बात है, पुरानी कुछ यादगार सीरीज के।
बहुत ही अच्छी यादगार संजोर करके रखी गई हैं इस म्यूज़ियम में, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा लिख करके कि आपको कैसा लगा ये म्यूज़ियम। ये देखिए $5.95 की बॉल है। क्या कि मैं अभी यहाँ चेरी ट्रीज का जो वॉक वे है वहाँ जा रहा, वो सब देखना था बॉरल में, मैं यहीं पर था। और चूंकि मैं लंच वगैरह जो लेके आया था तो यहीं पे मैंने पीछे बैठ करके खाया, बहुत अच्छी जगह थी। उसके बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट की, तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि शायद ब्रेक में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा, बहुत हल्का सा तो थोड़ी सी आवाज़ आई ब्रेक्स में, और फिर मैंने एक बार ब्रेक दबाया, फिर ब्रेक छोड़ा तो फ्री हो गई गाड़ी, लेकिन मैंने टर्न करके इधर खड़ी कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मैंने फ़ोन किया था यहाँ पे जो रोड साइड असिस्टेंस के लिए इंश्योरेंस होता है, हमने भी ले रखा है, और फर्स्ट टाइम ये गाड़ी में मेरे ख्याल से 3-4 साल में पहली बार जो है मुझे ज़रूरत पड़ी, मैंने कॉल किया था। तो सर्विस इतनी अच्छी है इस देश में, विद इन 5 मिनट्स टाइम जो है वैन आ गई। मैं गलती हो गई, मैंने उसको शूट नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। तो उसने चेक वेक किया और बोला ऐसी कोई बात नहीं, आप जा तो सकते हैं। फिर भी उसने मुझे ऑफर किया कि आप गाड़ी ड्राइव करके ले जाना चाहेंगे या आपके लिए हम अरेंजमेंट कर। तो उसने फिर सजेस्ट किया कि मैं ट्रक बुलवा देता हूँ आपके लिए, तो उस ट्रक में जो है आप भी जा सकते हैं और आपकी गाड़ी भी चली जाएगी, और कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि इंश्योरेंस ले रखा है हमने उसका, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो मुझे फ़ोन वहाँ से भी फ़ोन आ गया है और उन्होंने मेरा कंफर्म कर लिया है, एड्रेस वगैरह, नाम और गाड़ी का नंबर वगैरह। तो उन्होंने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन 10 मिनट्स टाइम ट्रक आ जाएगा। और अब जो मुझे यहाँ 2-3 जगह स्पेशली मुझे जाना था, और यहाँ एक मुझे जो है तो ओल्ड कपल मिले थे, यहीं के लोकल हैं अंग्रेज, तो उनसे बातचीत हुई थी, बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ से कुछ 8-9 किलोमीटर दूर एक विलेज है, बहुत ओल्ड विलेज है, वहाँ पे जेल है और पुरानी बिल्डिंग्स हैं, हाउस हैं, अगर कल्चर आप देखना चाहते हैं तो अभी भी वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। सो आई थॉट कि मैं वहाँ निकल जाऊँ, गाड़ी मेरी अभी भी जा सकती है और आराम से जा सकती है मुझे, लेकिन मैं इस मामले में थोड़ा सा डरता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिकॉज लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, छोटी मोटी चीज़ों के लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ की जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छी है। विद इन 5 मिनट उनकी असिस्टेंस मुझे मिल गई, वो बेचारे ने सब अच्छे से लेट के गाड़ी के नीचे घुस के ये सारा कुछ करके उसने देख करके बोला कि चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मैं आपको ऑफ़र करूंगा कि आप रिस्क मत लो। तो मुझे भी उसकी बात समझ में आई, तो क्योंकि मैं लगभग 100 किलोमीटर दूर हूं घर से, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भी अब अगर ट्रक में जाना रहेगा तो मुझे पे करना पड़ेगा और ये उसमें इंक्लूड रहेगा, तो उसने बोला नहीं नहीं सब इंक्लूड रहेगा। उसने फ़ोन करके बात की, उसी ने सारा बुक कर दिया और वो चला गया, बोला कि आपको 10-15 मिनट में आ जाएगा। आपको एक एडवाइस मैं ये दूंगा कि अगर इस तरह का कुछ किसी के साथ भी होता है तो रिस्क आप भी ना लें, जितना हो सकता है रिस्क फ्री हो करके काम करें, ऐसे रिस्क ना लें। तो ये सारा कुछ हमारा भी हो गया आज का, और ओवरऑल मैं जो जिस ट्रक की बात कर रहा था, आप सर्विस देखिए साहब, मैंने आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया था
उसके 10 सेकंड पहले वो लड़का गया है यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर, जो असिस्टेंस के लिए आया था, रोड साइड असिस्टेंस वाली गाड़ी। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, देखिए ये जो ट्रक आ रहा है 1000% आई एम डैम श्योर मुझे ले जाने के लिए। सी कितनी क्विक सर्विस है। उन्होंने सारी चीजें कंफर्म की कि आपके पास मास्क है, आपको कोविड की कोई सिम्टम्स तो नहीं है। मैंने कहा मेरे पास मास्क है, सब कुछ है। तो बोले हाँ, आप ट्रक में एक आदमी क्योंकि ट्रक में जा सकता है, अगर ज्यादा लोग होते तो फिर बाकी लोगों को भेजने का इंतजाम करना पड़ता। आपको स्कूल का टूर करवाना है, पब्लिक स्कूल है तो सरकारी स्कूल इसको बोलते हैं। ये देखिए पूरा सरकारी स्कूल है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और वीडियोस देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी तरह से अपना प्यार दीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।